अटक गई गाड़ी की जो क्लच असेंबली है उसकी लग चुकी वाट। गाइस व्यू चेक करो यार कितना मस्त हो रहा है, बाइकर्स बीच में से निकल रहे हैं मस्त जंगल के। ओ ओ बैलेंस बिगड़ गया भाई मेरा, बड़ा गंदा बच गया मैं। अगर मेरे आगे कोई खाई होती ना कसम मैं जाता अंदर। भैया जावा लेकर आ तो गए हैं पर दिक्कत हो रही है उनको चलाने में। जहाँ से कम मिट्टी हो वहाँ से निकालो। अटक गई। आइयो अटक गई गाड़ी, मैं तो उठा हुआ ही हूँ यार। निकल गई, रहने रहने निकल गई। चलो भाई ये कहाँ आ गए नाले में, मंदिर के पीछे कोई गांव वाँव कुछ निकलता है तो वहाँ से आ गए। ऐसा कुछ रोड आ गया गाइस, आई थिंक सो हम ऑलमोस्ट बाहर निकल चुके हैं। चलो चल वाटर क्रॉसिंग। पांव ऊपर रख लेता हूँ मैं ताकि मैं आराम से निकल जाऊँ। ओए कीचड़ मत उछाल साले। ओके गाइस तो अब यहाँ से सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, तो मैं साइड लगा के बस कल भाई से बात कर लेता हूँ, यहाँ नेटवर्क आ सकते हैं आई थिंक सो, तो उनसे लोकेशन मंगा लेता हूँ फटाफट से। ओके गाइस तो कल भाई और की जो लोकेशन है वो यहाँ से बता रही है 250 मीटर एक मिनट का रास्ता, तो चलते हैं फटाफट इसी रोड पर। क्या दिक्कत हो गई गाइस? यहाँ हमारी GT हो चुकी है पंचर, आराम से बाबू। चलो भाई यहाँ पे GT हो चुकी थी ख़राब, इसको करा लिया सही, अब निकल रहे हैं यहाँ से। एक और GT है हमारे साथ, उसमें भी दिक्कत आ चुकी है। ओके गाइस तो अभी चेक कर रहे हैं गाड़ी को, देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। इस गाड़ी की जो क्लच असेंबली है उसकी लग चुकी वाट। जो इस गाड़ी को लेकर आए थे उनकी गाड़ी नहीं है ये उनके दोस्त की गाड़ी है, और ये बंदे पे सोचो अब क्या भी देगी कि यार गाड़ी दे दी और मेरी गाड़ी की वाट लग गई। तो इसलिए गाइस अपनी गाड़ी खुद ही चलाओ, किसी को ना दो मस्त यार, फिर फालतू नुकसान होता है क्या मतलब है। बताओ यार गाइस एक्चुअली मैंने ना खुद ने नोटिस करा है, ओल्ड GT तो ठीक है बट जो नई वाली GT है ना ये थोड़ी लाइट वेट भी है, मतलब इसका जो साइलेंसर है ना वो थोड़ा लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब उठाने में भी आपको ज़्यादा हैवी लगेगी नहीं। तो पता नहीं अब क्या दिक्कत है गाड़ी में, पर हाँ बहुत सारी गाड़ी मैंने शोरूम पे भी देखी है ऐसे ही पड़ी रहती है, सब में क्लच असेंबली का काम होता है यार। मतलब अभी ये नई की नई ख़त्म हो गई क्लच असेंबली, एक दो मैंने इंटरसेप्टर वहाँ भी पड़ी हुई देखी थी अभी रॉयल एनफील्ड के शोरूम में गए थे, तो ये दिक्कत पता नहीं क्यों है। अगर आप लोगों की गाड़ी में भी अगर ऐसी दिक्कत होती है जिसका GT VT है तो भाई ज़रूर कॉमेंट डाउन बिलो थोड़ा नॉलेज दो ताकि हम भी ध्यान दें उस चीज़ का कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अभी जा रहे हैं बाहर की साइड टॉर्च करते करते, बाकी देखते हैं। भाई साहब भारी तो है कुछ भी कहो। ओके गाइस तो अपना जो टेम्पो है वो आ चुका है जिसमें हमको GT लेके जानी है, फटाफट टोकर आते हैं इसमें। तो अभी डिस्कशन चल रहा है टेम्पो वाले भैया से कि इतनी हल्की सी गाड़ी में इतनी भारी बाइक लेके कैसे जाएंगे। कल बाहर आ जा तब जाएगा।
ओके गाइस, तो फाइनली करवा दिया इसको टो। नुकसान होना था भाई, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कर दिया अंदर फिट, चलते हैं भाई यहाँ से। सही हो गया आपको बेटा। इसको भी खूब चला है। कितनी प्यारी लग रही है भाई, इसकी टेस्ट राइड ली थी मैंने सबसे पहले, मतलब कंपनी में तभी भाई। चलो भाई लेट्स गो, तो चलते हैं। आज बड़े ही मतलब अपनी राइड पे कभी दिक्कत ना हो ऐसा हो नहीं सकता, पर कोई नहीं, अब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। रास के लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नए प्यारे से व्लॉग के साथ। बाय बाय।